अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से क्या मुराद है और हम एसपीएसएस की मदद से कैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट रन कर सकते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट रन करने से पहले हम जान लें कि ये रिग्रेशन एनालिसिस वो फॉर सिंपल हो या मल्टीपल रिग्रेशन हो, दोनों का मकसद ये होता है कि हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट है या इफेक्ट होता है उसको हम चेक कर रहे होते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कितना कितना चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से क्या मुराद है। जब भी हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका हम इम्पैक्ट चेक कर रहे हो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो ऐसे रिग्रेशन एनालिसिस को हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। तो जब भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, 2, 3, 4, 5 हमारे स्टडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों, तो हम ऐसे रिग्रेशन एनालिसिस को मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कह रहे होते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हमारे उसकी जो इक्वेशन होती है वो हम सिंपल इस तरह से लिखते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन हो तो वहाँ पे हमारे वेरिएबल ज्यादा होते हैं, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टाइम आर रेजिड्यूल। तो यहाँ पे वाई हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स हमारे इंडिपेंडेंट को या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा जो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, बीटा जो स्लोप होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और एट द एंड जो लास्ट वन है वो रेजिड्यूल या एरर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम एसपीएसएस पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट रन करने के लिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारा फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा। इस टेस्ट की मदद से हम देखेंगे कि जो एक आम आदमी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बढ़ने से उसमें जो फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी है वो कितने ज्यादा बढ़ती है। तो इस इक्वेशन के रूप से हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस में जो चेंज आता है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी एक्सप्लेन कर रही है उस चेंज को, या कितना एकेडमिक क्वालिफिकेशन में चेंज से फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस में कितना चेंज या इफेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं एसपीएसएस की मदद से कि हम कैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन कर सकते हैं। यह हमारे पास एक डाटा शीट मौजूद है जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिफिकेशन भी मौजूद है और फाइनेंशियल टॉलरेंस वेरिएबल भी हमने लिया हुआ, और इसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ डाटा भी रिकॉर्ड है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन करने के लिए हम सबसे पहले एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जाने के बाद मुख्तलिफ टैब्स ओपन हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे रिग्रेशन वाले टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पे फर्दर टैब्स ओपन हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाले टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमारे जितने भी स्टडी वेरिएबल हैं सारे के सारे वेरिएबल इस बॉक्स में शो हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो हम यहाँ से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे इस बॉक्स में ले आएंगे। इसी तरह हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में ले आएंगे। अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन रन कर रहे हो तो हम आपके जितने भी बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आप उनको इस तरह उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह रिग्रेशन रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालाइज करते हैं। तो इस तरह ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट हो गया और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, तो यहाँ पे एस्टिमेट्स लिखे हुए हैं और मॉडल फिट लिखा हुआ है, तो नॉर्मली यही चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। उसके अलावा भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कुछ लेना चाहते हैं आप यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोलनरिटी डायग्नोसिस करना चाहते हैं वो भी, और ऑटोकोरिलेशन चेक करना चाहते हैं तो आप डर्बन वाटसन टेस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और इसके अलावा अगर आप प्लॉट्स ग्राफ भी प्लॉट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स वाई में। तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन कर रहे हैं, तो हम इस तरह आइटम को सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल ओपन हो जाएगा। हम इंडिविजुअली हर टेबल को देख लेते हैं कि इससे इसकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है। सबसे पहले जो ये टेबल है ये बेसिकली हमारे वेरिएबल्स को दिखा रहा होता है। जस्ट यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सेकंड जो टेबल है मॉडल समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें जो देखने वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास दो होती हैं, एक आर होती है और दूसरी आर स्क्वायर होती है। आर से मुराद होता है हमारे जितने ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये वो वाली वैल्यू होते हैं, और जो हम सिंपल कोरिलेशन टेस्ट रन कर रहे होते हैं वहाँ पे जो वैल्यू आती है सेम वो यही वाली वैल्यू ही होती है। तो इस वैल्यू को बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है उसको देख रहे होते हैं। तो ये 0.74 इसकी वैल्यू है, तो इट्स मीन के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाया जाता है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में।
आर स्क्वायर जो है इससे मुराद होता है कि हमारे मॉडल का ओवरऑल कितना इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये 0.55 सिंपल करके, या हम इसको 55% भी कह सकते हैं। तो इस आर स्क्वायर से यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये होगी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, या जो जितने भी वेरिएबल हैं, या जो पूरा हमारा एक मॉडल है, इसका 55% इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो टेबल है, एनोवा टेबल आ जाता है। एनोवा टेबल ओवरऑल जो हमारे मॉडल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स का बता रहा होता है, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स का उस मॉडल फिट को बता रहा होता है कि क्या ये मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख लें सिग्निफिकेंट शो हो रहा है, इसकी एफ की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल बिल्कुल ठीक है, ओवरऑल मॉडल हमारा पूरा ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कोएफिशिएंट टेबल। कोएफिशिएंट टेबल में हमारे पास चार कॉलम्स होते हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट का, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट का टी वैल्यू होती है, और उसके बाद सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। ये जो कांस्टेंट के आगे वैल्यू दी गई है 2.260, ये बेसिकली हमारा इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो 0.603 वैल्यू है ये हमारे जो स्लोप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टैंडर्ड एरर्स हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह की वैल्यूज होती हैं। और उसके बाद हमारा बीटा आ जाता है, तो ये कोरिलेशन की तरह की वैल्यूज हैं। ये टुवार्ड वन की तरफ जितनी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, वो आइदर पॉजिटिव वन हो या -1 हो, तो इतने स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सेम हमारी वही वैल्यू है जो आर की वैल्यू है, ऊपर दी हुई है ये वाली वैल्यू, तो ये कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हमारी टी वैल्यू आ जाती है और सिग्निफिकेंट लेवल आ जाता है। तो ये यहाँ पे आप जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे हर एक की टी वैल्यू अलग से होगी। तो इस कोएफिशिएंट या इस टेबल का ये फायदा है कि हमें हर एक वेरिएबल का इंडिपेंडेंटली इफेक्ट हमें बता रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जितने भी हमारे स्टडी में जो वेरिएबल्स होते हैं उसका हम यहाँ पे इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, क्वालिफिकेशन है। तो टी वैल्यू के बारे में आप जान लें कि ये नॉर्मली जब सिग्निफिकेंट लेवल होता है तो टी वैल्यू हमेशा 2+2 या -2 इससे ग्रेटर हो रही होती है ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंट भी और टी की वैल्यू भी 2 से ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्वालिफिकेशन, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्क टॉलरेंस के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर होता है। तो बेसिकली हम इस अनस्टैंडर्डाइज बीटा से बता रहे होते हैं। तो अब हम क्या किस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि 1 लेवल इंक्रीज इन क्वालिफिकेशन तो 0.603 लेवल इंक्रीज होता है किसमें, फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस में। तो ये पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बढ़ने से आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसी तरह अगर हमारे मजीद कुछ वेरिएबल दिए गए हों तो हम फिर उसकी इंडिविजुअली टी वैल्यू भी देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंट लेवल भी देखेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम उसका अनस्टैंडर्डाइज बीटा जो है, कोएफिशिएंट बीटा, इसको भी हम देखेंगे। तो फिर हम एरे का अलग से एक्सप्लेन करते जाते हैं कि इस वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आता है।